स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कोका कोला की दो बोतलें क्या हटा दी। इसके बाद से तो कंपनी की मार्केट वैल्यू ही हजारों करोड़ों रुपए कम हो गई। क्रिस्टियानो के इस कदम भर से कोका कोला की मार्केट वैल्यू $4 बिलियन यानी कि 29,323 करोड़ रुपए गिर गई। खास बात यह है कि कोका कोला कंपनी यूरो कप 2020 की मुख्य प्रायोजक है। ये पूरी घटना हंगरी के खिलाफ पुर्तगाल टीम के यूरो 2020 के मैच से पहले की है। स्टार स्ट्राइकर ने अपने सामने से कोका कोला की दो बोतलें हटा दी और इसे बनाने वाली कंपनी कोका कोला को 29,323 करोड़ रुपए की चपत लग गई। यूरो कप की मौजूदा चैंपियन टीम पुर्तगाल है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसी पुर्तगाल टीम के कप्तान हैं। ऐसे में हंगरी के खिलाफ मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, लेकिन टेबल पर कोका कोला की बोतल देखते ही रोनाल्डो बिफर पड़े। रोनाल्डो ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। बता दें कि 36 साल के रोनाल्डो फिट रहने के लिए किसी भी तरह के कोल्ड और एयरटेट ड्रिंक से दूर रहते हैं। वो दुनिया के सबसे फिट और सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। रोनाल्डो के इस कदम से कंपनी के शेयरों की कीमत धड़ाम से गिर गई। सोमवार को मार्केट खुलने से पहले कोका कोला के एक शेयर की कीमत $56.10 थी, लेकिन कुछ ही देर यह लुढ़क कर $55.22 आ गई। इससे कोका कोला के बाजार मूल्यांकन में $4 बिलियन यानी 29,323 करोड़ रुपए की कमी आ गई। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कोका कोला ने अपने बयान में कहा, हर कोई अपने स्वाद और जरूरतों के हिसाब से अपनी ड्रिंक्स चुनने का हकदार है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हंगरी के खिलाफ खेले गए यूरो 2020 के पुर्तगाल के पहले मुकाबले में मैदान पर कदम रखते हुए एक नया इतिहास रच दिया। 36 साल के रोनाल्डो यूरोपियन चैंपियनशिप के 5 संस्करणों में खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक मैच में रोनाल्डो द्वारा किए गए शानदार 2 गोलों की मदद से पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से हराया। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।